नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं। विदेशी बाजारों में बड़ी गिरावट के कारण दिल्ली तेल तिलहन बाजार में सरसों तेल समेत घरेलू तेल तिलहनों के भाव टूट गए हैं। सूत्रों ने बताया कि मलेशिया एक्सचेंज में जहां 2.2% की गिरावट रही, वहीं शिकागो एक्सचेंज में 3% ये टूट गया। विदेशी बाजारों में गिरावट के कारण पामोलिन और सोयाबीन तेल की कीमतों में गिरावट आई है। सूत्रों ने बताया कि मंडियों में सरसों की आवक बढ़ने से सरसों तेल के दामों में नरमी आई है। वहीं शनिवार को मंडियों में सरसों की आवक 6 लाख बोरी थी, जो सोमवार को बढ़कर 7 लाख बोरी हो गई थी। वहीं सूत्रों ने कहा कि घरेलू स्तर पर तिलहन का उत्पादन बढ़ाने से ही विदेशी बाजारों पर निर्भरता को कम किया जा सकता है। सरकार अगर इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाती है तो 1.5 लाख करोड़ रुपए तक विदेशी मुद्रा बचाई जा सकती है। तो बड़ी खबर में अभी बस इतना ही, और बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।